बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बकरियों के अंदर मसनूई नस्ल कशी के बारे में बताने वाला हूं। तो इधर सबसे पहले आपको बताते हैं जी, बकरियों के अंदर हीट पे होने के साइंस क्या होते हैं, उसकी अलामत क्या होती हैं। तो इधर सबसे पहले आप देख रहे हैं बकरी की वुल्वा के ऊपर आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज नज़र आ रहा होता है, जो कि एक ख़ास अलामत है बकरी के हीट पे होने की। ठीक है, इसके अलावा बकरी दुम बार बार हिलाती रहेगी, बेचैन नज़र आएगी। इसके अलावा कई बकरियाँ बार बार पेशाब करती हैं और बहुत सारी बकरियाँ मुँह से आवाज़ें भी निकालती हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, और ये अपनी पीछे वाली वुल्वा वाली जगह के ऊपर हाथ लगाना बड़े आराम से देगी। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ और आपको करीब से भी दिखाता हूँ कि बकरी के हीट पे होने की अलामत क्या क्या होती हैं। तो अभी मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, तो चलें आपको दिखाते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, इसकी जो वुल्वा है उसके ऊपर स्वेलिंग होगी, वो डिस्चार्ज आ रहा होगा और बकरी बड़े आराम से खड़ी हो जाएगी और आपको हाथ लगाने देगी, जैसा कि अभी बकरी आपको नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज भी ये देखें देखने में आ रहा है और इसकी वुल्वा पर स्वेलिंग भी है। ठीक है, और बकरियों की हीट का जो टाइम है 2 से 3 दिन होता है। और बहुत लोग पूछते हैं कि इसका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है कामयाब है या नहीं। तो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं कि मैं आपको काफ़ी वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूं कि बकरियों को मैं एआई करता हूं बहुत टाइम से। और ये देखें जिसका सीमन मैं इसके अंदर राजनपुरी नुकरे का रखने वाला हूं और मैंने थाइन के लिए ये डाल दिया है। और अभी मैं अपनी गन तैयार करूँगा और फिर इसके अंदर एआई करके दिखाऊँगा। तो ये इनके अंदर बड़ा कामयाब है जी, जैसे गाय और भैंसों के अंदर कामयाब है तो इनके अंदर भी ये कामयाब है। तो जी अब ये सीमन थाइन हो चुका है, अभी मैं इसका सीमन के 2 एंड होते हैं स्ट्रा के जो है फैक्ट्री एंड, वो कट करूँगा। और साथ साथ अभी मैं इसकी शीत के अंदर इसको मतलब फिट कर रहा हूँ और ये गन मैंने लोड कर ली है और अभी इसको बकरी के अंदर हम रखते हैं। तो अपने जैसे कि देख रहे हैं बकरी की जो है वुल्वा बहुत छोटी है, वजाइना भी फर्स्ट टाइमर है, तो इसके अंदर हम वजाइना स्पेकुलम एंटर नहीं कर सकते थे। तो मैं डायरेक्ट गन के ज़रिए इसके अंदर ये कर रहा हूँ और इसको आपने बड़े जेंटली करना है, बड़े आराम से करना है और इससे इसके रहने के ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये देखें जी बकरी के अंदर बड़े प्यार से और बड़े आराम से ये मैंने एआई कर दी है और ये राड को बिल्कुल मैंने एंगल पे करके सीधा करके इसको इंजेक्ट कर दिया है सीमन। तो ये देखें बकरी बिल्कुल फिट है। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।